नमस्कार, आइए कल्पना के पंखों पर सवार होकर समुद्रगुप्त के राज दरबार में चलते हैं और तत्कालीन समाज की शक्ति व समुद्रगुप्त की गुणी जनों के सम्मुख विनयशीलता को प्रदर्शित करते एक प्रसंग का अवलोकन करते हैं। सम्राट समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर नर्तकी मंजरी की नृत्य कला का अवलोकन कर रहे थे। जैसे ही नृत्य समाप्त हुआ तो मानो सब स्वर्ग से पृथ्वी पर वापस आ गए। करतल ध्वनि से सभागृह गूंज उठा। सम्राट का उत्सुक स्वर गूंजा, मंजरी तुम भारतीय नृत्य कला की सजीव प्रतिमा हो और मुझे गर्व है कि आज अपनी राज्यसभा के रत्न के रूप में मैं तुम्हारा सम्मान कर रहा हूँ। काश इस समय इस नृत्य के साथ आचार्य शशांक का गायन भी हो रहा होता तो सोने में कैसा सुहागा होता, कैसा विलक्षण दृश्य होता। वह हमने उन्हें आमंत्रित करने स्वयं आमात्य चंद्रसेन को भेजा है, वे भी आते ही होंगे। सचमुच तभी चंद्रसेन आ भी गए, किंतु अकेले। उनके साथ आचार्य शशांक नहीं आए थे। सम्राट ने पूछा, क्या हुआ, आचार्य नहीं आए? हताश स्वर में आमात्य बोले, जी उन्होंने आमंत्रण स्वीकार करने से इनकार कर दिया। चंद्रसेन बोले, आचार्य का कहना है कि यह राजाज्ञा मेरा सम्मान नहीं है। अपने जीवन में सम्राट की राज्यसभा का रत्न बनने से बढ़कर दूसरा अपमान शशांक नहीं मानता। कला की साधना मेरी तपस्या है, इसका प्रदर्शन किसी के मनोविनोद के लिए नहीं किया जा सकता। अगर सम्मान करना है तो राज्यसभा को यहां मेरे आश्रम में आना चाहिए। मैंने उनसे यह भी कहा कि इस प्रकार राजाज्ञा को ठुकराकर आप शासन व्यवस्था का अपमान और अनादर कर रहे हैं, यह विद्रोह है, मुझे आपको बंदी बनाना होगा। वे आए हैं लेकिन बंदी के रूप में, अभी दरबार के बाहर ही है। सम्राट की आज्ञा से आचार्य शशांक को दरबार में लाया गया और एक बार फिर उन्होंने वही सब कहा जो अमात्य पहले ही बता चुके थे। हैरत से सम्राट ने पूछा, आचार्य आपको प्राण दंड दिया जा सकता है, आपको भय नहीं लगता? हंसकर शशांक बोले, सम्राट मृत्यु से भयभीत होना तो जीवन देने वाले परम पिता परमेश्वर का अपमान करना है। तो सम्राट ने व्यवस्था दी, तो ठीक है, कल सूर्योदय के समय आपको पर्वत की चोटी से हाथ पैर बांधकर नीचे नदी में फेंक दिया जाएगा। अगले दिन का सूर्योदय हुआ। विस्मित सम्राट उस स्थान पर पहुंचे जहां आचार्य को बंदी बनाकर रखा गया था। दूर कहीं कोयल कूक रही थी, पुरवाई अंगड़ाई ले रही थी, तो आसमान में अरुणिमा की छटा बिखर रही थी और इसके साथ ही बंदी गृह की दीवारों को पार कर वातावरण में गूंज रहा था वह अलौकिक संगीत जो आचार्य के कंठ से फूट रहा था। सम्राट आत्मविस्मृत, मूक, निश्चेष्ट खड़े न जाने क्या सोच रहे थे। तभी बंदी गृह का लौह द्वार खुला और दो सशस्त्र प्रहरियों के साथ गैरिक वस्त्र पहने आचार्य शशांक निर्भय मुद्रा में बाहर आए। सम्राट ने आगे बढ़कर हठात उन्हें आलिंगन कर लिया और रुंधे कंठ से कहा, आचार्य यह आपकी स्वर साधना थी या अमृत वर्षा? अमात्य आचार्य को ससम्मान उनके आश्रम में पहुंचा दिया जाए और अगर आचार्य अनुमति दें तो आज सायंकाल का राज दरबार आश्रम के प्रांगण में ही लगे। नहीं नहीं, राज दरबार नहीं, संगीत सभा हो वहां, जिसमें सभी नागरिकों को भी आमंत्रित किया जाए। तो यह है उस युग का एक चित्र, कितने निर्भीक और निस्वार्थ कलाकार। ऐसी प्रजा का राजा तो गुणों की खान होगा ही। देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।